कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये जो कलर्ड पेपर है ना, ये आपको आसानी से किसी भी स्टेशनरी शॉप में 2 पीस का मिल जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो आप लोग ना पूरा वीडियो देखिएगा, मैं उसका अपना प्राइस भी आपको बताती जाऊँगी कि मुझे कितने का पड़ा था। तो और ये जो ग्लिटर पेपर्स रखे हैं ना फ्रेंड्स, ये 15 to 20 rupees के आपको मिल जाएंगे। मुझको ये बड़ा वाला जो है ना, जैसे स्टिकर वो आती नहीं है जो चिपकने वाला होता है, वो पड़ता है मुझको 20 rupees का, और ऐसे सिंपल लेंगे तो 15 rupees का पड़ता है। अब आपके शहर में कितने का पड़ता है आप लोग देख लीजिएगा, मुझे तो 15 to 20 rupees में मिल जाता है। आप लोग ना जैसे पेपर बच जाते हैं ना, उसे फेंका मत करिए, उसे काट के बढ़िया क्वालिंग पेपर बना लिया करिए। ये देखिए क्वालिंग पेपर ही तो है, ये 15 rupees का मुझे पड़ा था। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ये बता दिया करिए कि आपको कैसे वीडियोज़ चाहिए, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, 3D ड्राइंग, क्राफ्टिंग, ऑयल पेस्टल्स, कौन से चाहिए आप लोग कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वालिंग पेपर के ना फ्लावर बहुत अच्छे बनते हैं। ये 15 रुपये का मुझे स्टिकर पड़ा था, 15 का भी आता है, 20 का भी आता है, और ये जो छोटे वाले हैं ना फ्रेंड्स, ये 10 रुपीज़ का आ जाता है। ये आपको स्टेशनरी की शॉप में ना आराम से मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये ऑयल पेस्टल्स कलर हैं, मैंने काफ़ी टाइम से ऑयल पेस्टल्स की ड्राइंग नहीं डाली, अभी तो मैं ये ड्राइंग सिंपल ड्राइंग डालती हूँ ताकि बच्चे आराम से बना लें, है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग बता दिया करिए, देखिए लोगों के तो मिलियन में सब्सक्राइबर होते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना फ्रेंड। मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ, मुझे बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत किया, 1 साल हो गए तीनों चैनल में, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी ग्रो नहीं हुआ। ये चलिए छोड़िए, देखिए ये टेप है, ये 40 रुपीज़ का आराम से आपको इडली में मिल जाएगा, मोटा वाला टेप है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और ये फ्रेंड्स स्टिकर्स हैं, जैसे कि अभी आपको दिखाया था, ये फ्रेंड्स पिन है फ्रेंड्स, आपको जैसे पॉलीथीन नहीं होती है जो साड़ियों में और टॉप में आपने देखी होगी, ये देखिए ये वाली पॉलीथीन, आप शायद देख के आपको याद आ रहा होगा। तो ये जो बस्ती है ना, मैं उसको रख लेती हूँ, इसी को तो DIY कहते हैं ना फ्रेंड्स। तो ये जो जैसे मैंने ये सीनरी बनाई है ना, तो ऐसे मैं दफ्ती में पेपर को फाड़ के चिपका देती हूँ और पॉलीथीन में पैक करके पिनअप कर देती हूँ और अपना रूम को डेकोरेट कर लेती हूँ, है ना कितना ईजी आइडिया। इससे घर भी अच्छा लगने लगता है और सामान का भी रीयूज़ हो जाता है। EVS में तो हम लोग पढ़ते ही रहे हैं, ये पेपर मुझे फ्रेंड्स पड़ा था 30 रुपीज़ का। तो इस ये एक्चुअली ये ना मोटा होता है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बस इसका फ्लावर बहुत ही प्यारा बनता है फ्रेंड्स। और इसमें ना मैंने अपने मोती और इसमें मोती पड़े हैं, और ये जो कागज़ है ना, इसमें भी मोती हैं फ्रेंड्स। ये जो मोती है ना फ्रेंड, ये एक्चुअली मुझे 2 रुपीज़ का पड़ा था, बाकी तो मैंने इकट्ठा ले लिया था 20 रुपीज़ का पूरा। तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, कोई भी चीज़ जैसे क्राफ्टिंग बनाई उसमें लगा दिया, खास करके जैसे ऊल के फ्लावर बनाओ ना, उसको बीच में लगा दो तो उससे बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है फ्रेंड्स। आप लोग कह रहे हो कितना बोलती है, एक्चुअली बोलूँगी नहीं ना तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे, है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिएगा और प्लीज़ आप लोग थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर दीजिएगा ना, कि जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। 1 ईयर हो गए फ्रेंड्स, नहीं हुआ है। देखिए ये आइसक्रीम स्टिक है, आइसक्रीम स्टिक से बहुत अच्छा क्राफ्ट बनता है फ्रेंड्स। ये वाटर कलर है, आप लोग जानते ही हैं। ये एक्चुअली इस बॉक्स में मेरे वाटर कलर की जो ब्रशेज हैं वो रखी हैं, मार्कर रखा है, पेन रखे हैं, और थर्माकोल कटर जो हम इसमें वीडियो अभी दिखा रहे हैं ना, मतलब क्राफ्ट वगैरह रख के, ये क्या कहते हैं थर्माकोल है फ्रेंड्स। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, तो थर्माकोल को बढ़िया आप इससे काट लीजिए और ब्यूटीफुल सा क्राफ्ट बना के रेडी कर दीजिए, जिससे आपके घर वाले हैप्पी हो जाएंगे। आप लोग घर में ट्राई तो करिए, आप लोग बताइए मुझे कैसे चाहिए, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँगी। ये एक्चुअली वैसलीन का डिब्बा, सॉरी फ्रेंड्स ये टूट गया है। इस पर फ्रेंड्स कॉटन बड्स रखी हुई हैं, और इसमें ग्लू रखा हुआ है, और इसमें मेरी 2B, 3B, 4B और 5B, 6B और 8B, 10B पेंसिल्स रखी हुई हैं। देखिए मैंने कितनी सारी चीज़ें जोड़ ली हैं फ्रेंड। आपने कहावत तो सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरना, वैसे मैंने थोड़े थोड़े क्राफ्ट मटेरियल से पूरा घर भर दिया, हाँ फ्रेंड्स। और देखिए इसमें वाइटनर मिलेगा आपको, और ये पेंसिल्स हैं मेरी सारी, मैंने आपको बता ही दिया है। और ये वाइटनर 10 रुपीज़ का है, और पेंसिल तो आपको 5-10 रुपीज़ की मिल जाती हैं। और ये जो फेविक्रिल है ना फ्रेंड्स, इससे जो मोती होते हैं ना, वो लॉन्ग टाइम तक चिपके रहते हैं बहुत अच्छे से। मेरे पास ग्लू गन भी है एक्चुअली, वो मैंने वो वीडियो में लाई नहीं, सॉरी फ्रेंड, अगली बार मैं आपको दिखा दूँगी जब और सामान लाऊँगी। ये जो अल्फ़ाबेट है ना, ये आपको 10 रुपीज़ का 5 रुपीज़ का मिल जाता है, थोड़ा 10 रुपीज़ का थोड़ा और बड़ा मिलता है।
तो इससे आप बढ़िया आप निकाल दीजिए और आप जिसने कोई भी क्राफ्ट बनाया उसमें लगा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और आपको याद भी रहेगा कि हाँ ये मैंने बनाया था, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा क्राफ्ट आवर तो भी कमेंट करके बताइएगा। ये एसलिक कलर हैं, तो अभी तक मैंने इसकी कोई पेंटिंग बहुत टाइम से की नहीं है, तो मैं करूँगी। और अभी तो ये सिर्फ सिंपल ड्राइंग डाल रही हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो अभी थोड़ा सा बिजी रहते हैं ना फ्रेंड्स, इसलिए इजी इजी सिर्फ बच्चों के लिए ही ड्राइंग डाल रहे हैं ताकि बच्चे देखें सीखें। और ये फ्रेंड मास्किंग टेप है, ऑयल पेस्टल जब ड्राइंग करो या पेंटिंग करो तो किनारे किनारे लगा दो तो कलर फैलता नहीं है। तो मैं ना आपको सारा सामान ना लाइन से लगा देती हूँ ताकि आप भी तो देखें, मैंने आपको सारा दिखा तो दिया है, आपको समझ में आ नहीं रहा है, मैं लाइन से लगा ही देती हूँ तो आप लोग देख लेंगे कि कितना सारा अभी तक सामान दिखा चुकी है। देखिए फ्रेंड और भी सामान है ना, लेकिन बहुत सारा था तो अभी मैंने कहा इतना दिखा देती हूँ, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती जिससे आप लोग बोर हो जाते, वैसे भी मेरी बातों से भी बोर ही हो रहे होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो अभी आपको जितना सामान है ना, पैसा भी आ गया, देखिए कह रहे होंगे 10 रुपीज़ कहाँ से आ गया, एक्चुअली इसी में पड़ा हुआ था ना तो वो भी आ गया। देखिए ये फ्रेंड वाले स्टिकर बहुत प्यारे लगते हैं, देखिए किनारे सामान रखा हुआ है ना तो अभी आपको दिख नहीं रहा, अभी मैं भी आप पूरा फुल में दिखा दूँगी। ओके फ्रेंड, इसमें पेपर और ग्लिटर पेपर और ड्रेसेस वगैरह कलर्स हो गए और चार्ट रखे हैं, चार्ट आपको आराम से मिल जाएगा 4 रुपीज़ का एक चार्ट, और जो बड़ा वाला बताया था वो 30 रुपीज़ का आता है। और हाँ फ्रेंड, तो प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सा हेल्प करिएगा। और ये जो ऊल है ना, तो इस तरह की मेरे पास हर रंग की फ्रेंड ऊल है, मतलब पर्पल भी है, रेड भी है। और आपको एक अच्छी वाली ऊल दिखाती हूँ, देखिए ये जो ऊल है ना ये बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये जो ऊल है। और इसमें अभी और भी आपको ऊल दिखाती हूँ, मैं पूरा दिखाती हूँ, अभी पूरी पॉलीथीन में सारी रखी हुई है। और ये अभी आपको मैं मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ, देखिए ये जो पेन है ना इससे आप लोग आराम से अपने फ्रेंड्स को ना डरा सकते हैं, ये पीछे से खुल जाता है और आगे से चाकू वाला है तो इससे ना बहुत अच्छा लगता है। 50 रुपीज़ का था ये पेन, ये देखिए मैंने आपको कहा था ना सारी ऊल दिखाती हूँ, तो ये सारा मैंने एक पॉलीथीन में ही भर दिया था। और ये देखिए जो बॉक्स है इसमें ना आपको ग्लिटर पाउडर मिलेगा फ्रेंड्स, और इसमें 5 रुपये का ये ग्लिटर पाउडर का पैकेट आता है फ्रेंड, और इसमें ना मोती पड़े हुए हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने कुछ बनाया और उसमें ग्लू लगा के उसमें डाल दिया तो उसके लिए यूज़ आ जाता है, तो मैंने इसको इसी में रख दिया था। और इसमें ये मोती पड़े हैं, ये 10 रुपीज़ का मुझे एक पैकेट पड़ा था तो काफ़ी इसमें रखे हैं। अब कितना आपको डिटेलिंग देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना निकालेंगे, तो हमने आपको सिर्फ हिंट हिंट के लिए एक चीज़ दिखा दिया है। और ये जो ये ना खजूर का डिब्बा है एक्चुअली फ्रेंड, तो इसमें ना मेरे सारे आपको पेंसिल कलर और थर्माकोल की जो गोलियाँ पड़ी हुई हैं, और इसमें मार्कर पड़ा हुआ है, पेन भी पड़े हैं और स्केच कलर पड़े हैं, स्केल पड़ी होगी, शॉर्पनर रेजर ये सब पड़े होंगे, मतलब स्टेशनरी का सामान पड़ा होगा। और मार्कर का यूज़ तो आप जानती हैं, वाइट बोर्ड है उसमें इजी ड्राइंग करते हैं उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड, मेरे पास ग्लूगन भी रखी हुई है, तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं, वो ना मुझको 250 की पड़ी थी। मेरे पास बहुत सारे ग्लू रखे हैं, फेविकोल भी है, गम भी रखा है, गम तो बहुत सारा है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मुझे खुशी मिलेगी फ्रेंड, नहीं तो गम ही गम है। सब लोग कहते हैं यूट्यूब वगैरह के चक्कर में क्यों पड़ी हो, कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे भी लगता है सच में कुछ नहीं होने वाला क्या। ये देखिए इसमें बना भी है, इसे ना डेली खाइए ना बहुत ही फ़ायदा करता है, लेकिन आप लोग गर्मियों में मत खाइएगा, खजूर है ये। इसमें भी देखिए भाई आपको स्केच कलर उतना कुछ खास नहीं है। तो ये जो बॉक्स रखे थे तो मैंने इसको साफ़ करके ये सारी चीज़ें भर दिया, तो एक्चुअली अच्छे लग रहे थे मुझे तो मैंने इसी में डाल दिया, है ना फ्रेंड्स। ये देखिए ये वाइट बोर्ड जिसमें मैं ड्राइंग बनाती हूँ, 200 रुपीज़ का मुझे पड़ा था, स्टेशनरी से आप भी परचेज कर लीजिएगा। ये स्टिकर्स हैं फ्रेंड्स, 10 रुपीज़ का आपको एक मिल जाएगा, बहुत प्यारा लगता है इससे। इसमें फ्रेंड्स एक्चुअली कलर्ड टेप पड़े हुए हैं, देखिए मैंने कहा था ना आपको मेरे पास गम बहुत मिलेगा, जो भी बॉक्स खोल दूंगी ना उसमें गम जरूर निकलेगा। इसमें एक्चुअली छोटे छोटे कांच के टुकड़े भी पड़े हुए हैं, लेस पड़ी हुई है फ्रेंड, और इसमें कॉटन बर्ड्स भी पड़ी हुई है। इसमें ना ट्यूब कलर पड़े हुए हैं, स्टेपलर पड़ी हुई है, इसमें भी कुछ ब्रशेस पड़ी हुई हैं, उसमें तो कम ब्रशेस थे जो मैंने अभी आपको बॉक्स दिखाया था। और एक ये जो फेविस्टिक है, मतलब सूखा हुआ अलग ग्लू है, 10 रुपीज़ का है, और जो ट्यूब कलर थे ना 50 रुपीज़ का पैकेट मिला था फ्रेंड, इसमें सारे कलर टेप है। रुकिए मैं आपको खोल के ही दिखा देती हूँ,
तो ये देखिए, इसमें रेड कलर का, येलो कलर का, देखिए धीरे धीरे करके काफ़ी मैंने सामान जोड़ लिया है। ये क्वेलिंग टूल्स है फ्रेंड, तो इससे जैसे क्वेलिंग पेपर दिखाया था ना फ्रेंड, तो उसको बढ़िया आप रोल रोल करके बढ़िया अच्छे सा फ्लावर बना लीजिए। इसी से 10 रुपीज़ का मिल जाता है, और जब बड़ा चाहिए तो और बड़ा मिलेगा 40 रुपीज़ का। ये सारे टूल्स हैं। चलिए और सामान दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें तो मोती थे, मैंने आपको बता ही दिया है। ये स्केल है, 10 रुपीज़ की मिल जाती है, बड़ी वाली स्केल है। चलिए मैं इसको भी खोल के दिखा देती हूँ। इसमें ना फ्रेंड्स टिश्यू पेपर जो है ना कलर्ड वाले, वो भी रखा है इसमें फ्रेंड, स्क्रबर भी रखा है एक्चुअली में। मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी डांटने वाली है मुझको। इसमें सारे ग्लू हैं, मैंने कहा था ना गम बहुत है मेरे पास, तो जाने कितनी, मैंने कहा था हर पैकेट में आपको गम मिलेगी, तो वही हाल है। सच में बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वैसे सच में मेरा घर भर गया। ये सीजर्स हैं, ये टेप है, ये सारा सामान हो गया। और भी सामान है, अभी इतना काफ़ी है फ्रेंड, इतना देख लीजिए बहुत है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। अभी मैं आपको अपने ट्राईपॉड की हालत भी दिखाती हूँ कि कैसे मैं वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। आपने ये देख लिया, अब आपको चलिए ट्राईपॉड की हालत दिखाती हूँ। मैं ट्राईपॉड ना फ्रेंड एक्चुअली में लंगड़ा हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आपको हंसी आएगी कि क्या बोल रही है। हमने कहा था ना कि ये जो एक्चुअली जो होल्डर है ना, ये तो टूट चुका है, तो इसमें मैंने रेड कलर का कपड़ा बांध दिया है, और ये जो LED वाले बल्ब नहीं मिलते हैं उसी को मैंने इसमें फंसा दिया है फ्रेंड। इतने जुगाड़ू हैं हम, और वैसे भी DIY करते ही रहते हैं तो जुगाड़ू भी हो गए हैं। बस इसको मैंने इस कपड़ा धर लगा दिया है, और इसी को ओपन कर देती हूँ, बस ऐसी वीडियो ऐसे शूट कर लेती हूँ। पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले तो कभी कुकिंग की वीडियो तो आप जानती हैं, ऐसे हाथ से पकड़ के फ़ोन को रिकॉर्ड करती थी, और पहले कुछ नहीं था तो कार्डबोर्ड में लगा के रिकॉर्ड करती थी। आप देखिएगा पुराने वीडियो में पढ़ा है। और अभी तो ट्राईपॉड लिया था, ऑनलाइन लिया था, 200 का ट्राईपॉड, टूट ही गया। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल मोनेटाइज होगा तो पैसा मिलेगा, और लोगों का भ्रम भी दूर होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे भी यूट्यूबर बनने दीजिए ना फ्रेंड। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि कुछ करूँ, तो 3 चैनल बना डाली, कुछ हुआ ही नहीं। और हाँ फ्रेंड, अगर मेरी बातें बोरिंग लगी हो ना, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।